उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तत्वाधान में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रम विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला में लेबर POCW के अंतर्गत लेबर रजिस्ट्रेशन, ई श्रम योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनाओं की वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई है तथा लाभार्थियों को योजनाओं से क्या लाभ मिलेगा यह भी बताया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजनाएं जिले में पहले से चल रही हैं तथा 6 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और संख्या बढ़ाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जनपद के कॉमन सर्विस सेंटर के सभी संचालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक विकास कुमार ने कहा, नमस्कार, मैं विकास स्वास्थ्य श्रम विभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम व्यक्ति तक जिसे लाभ पाना है उस तक पहुंच सके, क्योंकि आप ब्लॉक में होते हैं, आप तहसील पे होते हैं, आप गांव में होते हैं और आप ही एक हमारे लिए माध्यम होते हैं जो हमारी सारी योजनाओं को क्रियान्वित करा सकते हैं गांव में। तो इसी क्रम में ये एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सबसे पहले हम श्रम विभाग द्वारा जो योजनाएँ हैं, एक तो उत्तर प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, इसके अंतर्गत निर्माण से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक हैं, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष, किसी भी प्रकार के श्रमिक का जो निर्माण से जुड़ा हुआ है उसका पंजीयन होता है और उसको श्रम विभाग द्वारा संचालित 16 योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे ऐसे मजदूर होते हैं जिनका PF ESI न कटता हो और जो आयकर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करते हों, ऐसे सभी श्रमिक, 156 प्रकार की कैटेगरी है, ये सभी लोग उसमें आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया और उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में आज 1.22 करोड़ करीब मजदूर रजिस्टर्ड हैं और गोरखपुर में 6,65,000 अभी तक का सवेरे का रजिस्ट्रेशन हुआ था और गोरखपुर 3रे नंबर पे है। इसमें वो सभी लोग आते हैं जो PF ESI में ना गवर्न होते हो और जिनका इनकम टैक्स ना कटता हो। ये 156 प्रकार की कैटेगरी है। कंस्ट्रक्शन वाले भी सारे मजदूर इसमें आते हैं। और इसके बाद एक और योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM, जिसके अंतर्गत हम 3,000 रुपये न्यूनतम 60 साल की उम्र पूरे होने के बाद श्रमिक को मिलता है। हम इन्हीं 3 योजनाओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि श्रमिक पंजीयन कैसे होता है और श्रमिक पंजीयन के लिए जो मिनिमम आता है कि श्रमिक कौन कौन होगा। 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक एक विशेष सूचना या तो इसको नोट भी करते रहे, अभी ये PPT बाहर लगाए हैं, सो दैट कि उससे क्या होगा कि जो भी निर्माण श्रमिक पंजीयन कराना चाहेगा वो आपके पास आ सकता है और अपना पंजीयन करा सकता है। तो आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में वर्ष में कम से कम 90 दिन का निर्माण कार्य किया होना चाहिए। इसके अलावा यदि वो मनरेगा मजदूर है तो 50 दिन यदि वो मनरेगा में कार्य किया है तो भी आप उसका पंजीयन कर सकते हैं। सभी पंजीयन के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके जो अभिलेख चाहिए, एक उसका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए और एक उसका नियोजन प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि स्व घोषणा प्रमाण पत्र होता है कि उसने, वह खुद से दस्तखत करके देगा कि उसने विगत वित्तीय वर्ष में विगत 365 दिन में 90 दिन निर्माण का कार्य किया है। तो पंजीयन, जब आप पंजीयन करते हैं तो उसको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है वो उसका टेम्परेरी नंबर अलॉट होता है, वो 59 से शुरू होता है। उसको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका जो नंबर अलॉट होगा वो 59 से शुरू होगा, 059 से शुरू होगा। विकास कुमार, जिला प्रबंधक, कॉमन सर्विस सेंटर। यह बैठक माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हो रही है, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर संचालक को आज इस ऑडिटोरियम सभागार में बुलाया गया है
और इसमें तीन योजनाएं लेबर डिपार्टमेंट की मेन रूप से बताई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से BOCW के अंतर्गत लेबर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ई श्रम योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये तीन योजनाएं जो हैं ऑनलाइन वीडियो दिखा करके और कैसे एप्लीकेशन फीड होता है और लाभार्थियों को इससे क्या लाभ मिलेगा, यह योजनाएं जो है ज़िले में किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी, चूँकि ये योजनाएं पहले से चल रही हैं और ई श्रम में 6 लाख से ऊपर अभी हो भी चुका है और इसको विधिवत रूप से इसको बढ़ाने के लिए, इस रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ाने के लिए यह मीटिंग की जा रही है। लेबर रजिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ी सी अभी कम है, उसको बढ़ाने के लिए इस मीटिंग को किया जा रहा है। सर किस किस तरह की जानकारी दी जा रही है? इसमें मेन रूप से लेबर रजिस्ट्रेशन की और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक पेंशन योजना है कि उस पेंशन, उसमें रजिस्ट्रेशन लाभार्थी करेगा तो उस पेंशन से क्या उसको लाभ मिलेगा, और ई श्रम योजना जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसी की ये पूरी ट्रेनिंग है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके पूरी प्रक्रिया को दिखाई जाएगी और उसके लाभ के बारे में बताया जाएगा। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सभी रूप वो शामिल हैं और सहज के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, BLS के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, कॉमन सर्विस सेंटर के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और EDM और लेबर डिपार्टमेंट पूरा वो पूरा शामिल है सर।